इमेजिनेशंस लाइफ में जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप कोई स्कॉलर बनने जा रहे हैं, आप कोई और काम ज़िंदगी में करने जा रहे हैं। इस वक्त क्योंकि मेरी सारी ऑडियंस ज़्यादातर जो है एस्पिरेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेज है, तो क्या आप अपने आप को इमेजिन करते हैं? क्या आपने अपने आप को यूनिफॉर्म में इमेजिन किया है? क्या आपने अपने आप को PMA काकूल में इमेजिन किया है? क्या आप रात को सोते हुए ये इमेजिन करते हैं कि आपकी लाइफ ऐसी होगी, आप लाइफ में ये कर रहे होंगे, 3 साल बाद 4 साल बाद आपके वालिद आपकी वालदा उनका सर फ़ख्र से बुलंद होगा? तो ये तमाम चीज़ें आपको इमेजिन करनी चाहिए। याद रखिए, इस वक्त जिस मोबाइल को आप हाथ में पकड़ के मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी कभी किसी ने इमेजिन ही किया था, और जब उसने ये अपनी इमेजिनेशन किसी को बताई होंगी तो अगले ने उसको एक पागल इंसान ही समझा होगा। आज देख लें, सारी दुनिया इस मोबाइल से कनेक्ट है, ना तार है ना कुछ बिजली नज़र आती है। ये वीडियो कैसे मेरे मोबाइल से निकलकर हवा में उड़ती हुई आपके पास आ गई, ये सारा खेल इमेजिनेशंस का है। तो अपनी इमेजिनेशंस को स्ट्रॉन्ग करना सीखें, कुदरत से ताल्लुक़ बनाएं। ये आपकी इमेजिनेशंस को हकीकत बनाने का जो काम है ये कुदरत करती है। तो कुदरत के जितना आप करीब होंगे, कुदरत के निज़ाम को जितना आप बेहतर तौर पर समझेंगे, उतनी ही आसानी से आप अपने ख्वाब अपने इमेजिनेशंस को हकीकत में बदल सकते हैं। ख्वाब मंजे पे लेट के या बेड पे लंबे होके ख्वाब देखने से ख्वाब नहीं पूरे हुआ करते। ख्वाब देख लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे ऐसे ऐसे ख्वाब आते हैं, अल्लाह खैर करे अगर पूरे हो जाएं तो क्या ही बात है, लेकिन उनमें से कोई शायद एक दो है जिसके ऊपर कोशिश करते हैं उनको फुलफ़िल करने की। तो ये पूरा एक अलग से एक इकोसिस्टम है, कुदरत का कानून, कुदरत के असूल। ज़िंदगी इंसान की कामयाबी नाकामी कुदरत के असूलों के मुताबिक होती है। आपके मज़हब से या आपके कास्ट से या आपके अमीर गरीब घराने में पैदा होने से या आपके कौन से शहर में रहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तमाम इंसानों के लिए कुछ कुदरत के कानून हैं, वो मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, नेक के लिए, बदबख्त के लिए, जालिम के लिए, सब के लिए वो असूल बराबर हैं। उन असूलों को जो फॉलो कर ले वही इस ज़िंदगी में कामयाब है। वो आखिरी ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी, मुसलमान ज़िंदगी, वो एक अलग से चीज़ है। मैं उसको इसमें इनकलकेट नहीं कर रहा, इसको प्लीज़ साइड पर रखिएगा, फिर फतवे आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुदरत के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें तो आप बहुत कुछ ज़िंदगी से ले सकते हैं और एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं।